हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एडेनियम को सीड से कैसे ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो एडेनियम के सीड पॉट है, वो सूखने के बाद ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने गार्डन सॉइल लिया है जो हमने प्लास्टिक कंटेनर में भर लिया है, और उसमें हम अभी इसमें ग्रो करने वाले, इसलिए इसको पानी से थोड़ा हम भिगा देंगे। और इसमें हमने दूसरा कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने गार्डन सॉइल ऐड किया है। इसके अंदर फर्टिलाइज़र, सैंड वगैरह कुछ भी ग्रो नहीं, मतलब हमने डाला नहीं है। हम प्लेन गार्डन सॉइल से इसे ग्रो करने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पूरा अच्छे से वाटरिंग इसमें कर दिया है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे सीड है वो देखिए हमने कैसे बचाए उड़ने से। हमने रबड़ बैंड का यूज़ किया, ये रबड़ बैंड हमने यूज़ किया और इसके सिंग को, जो सीड पॉट होता है, उसे खुलने से रोका। और फिर अच्छे से सूख जाने के बाद वो बिल्कुल ऐसे से आपके सारे सीड आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे सीड आप लीजिए और अच्छे से दूर दूर एक एक इंच के डिस्टेंस में आप डाल दीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं वो फ्रेंड्स, इसे मूव कराने में, एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ा के ले जाने में विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, और फिर जहाँ पे रुक से गिरेंगे वहाँ पे ये ग्रो हो जाएंगे। इसलिए साइड में ऐसे नेचर ने इसको दिया है। और हम ग्रो करेंगे तो वो पार्ट को हटा देंगे। देखिए, अभी मैं इसे फूंक मारूंगा और फिर ये हवा में उड़ेगा और कहीं दूर जाके रुकेगा। जैसे ये देखो, ये उड़ के यहाँ पर गया, अब यहाँ पर सेटल हो जाएगा और फिर यहाँ पर उगेगा। इसलिए इसको नेचर ने ऐसा साइड में ऐसा स्ट्रक्चर दिया है। तो फ्रेंड्स, हमने सारे सीड हमारे अच्छे से अरेंज कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। सबके बीच में हमने गैप रखा है। और अब ये देखिए, सारे जो हमने साइड के जो स्ट्रक्चर मैंने बोला वो सारा अलग कर दिया है, अकेला हमने सीड ही ऐसे अरेंज किया। उसके बाद इसकी ये जगह ना छोड़े, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो बची हुई गार्डन सॉइल है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और स्प्रेड करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मतलब ऊपर जो लेयर करते हैं उसे एक इंच, मतलब एक इंच से कम रखें। जितना पतला लेयर होगा उतना ही बेनिफिट होगा, मतलब जितना ज़्यादा आप लेयर रखोगे तो उसको ग्रो होने में देर लग जाएगी, और आप पतला लेयर रखोगे तो ये अच्छे से जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने अच्छे से जो मेरे गार्डन सॉइल बची थी वो उसे हम पतला पतला एक लेयर ऊपर बना देंगे। हम ये लेयर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जगह ना छोड़े फ्रेंड्स। अब बारी है वाटरिंग करने की, तो अच्छे से वाटरिंग कीजिए, क्योंकि हम अब फिर उसके बाद में इसको वाटरिंग नहीं देंगे। जब तक ये आपको सॉइल सूखी नज़र ना आए तब तक हम इसमें वाटरिंग नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा भरपूर वाटरिंग कीजिए, और ऊपर जो बड़े बड़े सॉइल के कंकड़ दिख रहे हैं उसे दबा के आप एडजस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं 2 दिन के बाद का रिजल्ट जो आपके सामने है। हमने देखा कि थोड़े बहुत सीड अभी ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये जो आपको कुछ कुछ सीड जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं वो आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरे दिन का रिजल्ट, तीसरे दिन आप देख सकते हैं कि कुछ और सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। और अब तक हमने दूसरी बार वाटरिंग नहीं किया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 दिन के बाद का रिजल्ट आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सीड अभी तक ग्रो हो चुके हैं। और फाइनली फ्रेंड्स, 12 दिन का रिजल्ट, जितने भी सीड हमने डाले थे सारे के सारे अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। और 1-2 दिन बाद हम वाटरिंग करेंगे, अभी भी थोड़ा मॉइस्चर हमें नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप भी अपने एडेनियम के सीड कलेक्ट कर सकते हो और आप भी अपने घर पे ऐसे ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक, फ्री मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।